दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं Xiaomi के डिवाइस में आप सभी को पता है गैलरी नाम का एक एप्लीकेशन है जहां पर आप अपने फ़ोटो वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में एक Xiaomi की तरफ से बहुत ही अच्छा न्यूज आया है। वो न्यूज बताने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों वो गुड न्यूज़ ये है कि इसी ऐप को एक नया अपडेट देखने को मिला है Xiaomi की तरफ से, जिसका वर्जन है 2.2.15। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है। अगर आप सभी ने इस अपडेट को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ अपने ऐप अपडेटर में जाके एक बार ज़रूर से इंस्टॉल कर लें और आपको वहाँ पर नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। आप सभी को बता दें कि इस अपडेट में नया फीचर्स क्या देखने को मिला है। तो सबसे पहले आप सभी को बताया कि अगर आप गैलरी ऐप को ओपन करेंगे तो आपको वहां पर सबसे पहला आप चीज़ देखने को मिलेगा ब्लैक एंड वाइट का। जी हां दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि गैलरी ऐप पहले अगर हम ऑन करते थे तो हमको कलरफुल दिखता था, पर अब वहां ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। दूसरा अपडेट आया है कि इसी डिवाइस हाई क्वालिटी का जो फ़ोटो है उसे JPG में कन्वर्ट करेगा। जी हां दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है, हाई क्वालिटी का जो फ़ोटो है वो बहुत सारे डिवाइस में सपोर्ट नहीं करता है, जिसके कारण Xiaomi ने इस अपडेट को प्रोवाइड किया है। तो इस अपडेट के थ्रू से आप हाई क्वालिटी इमेज को JPG में कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा नया फीचर्स आया है कि इसमें आपको लूप ऑल स्लाइड का ऑप्शन आया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, लूप ऑल स्लाइड। तो दोस्तों ये जो फंक्शन है पहले से ही शायद गैलरी ऐप में दिया गया था। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।